आई चिकन पुलाव रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इजी बन जाती है, बहुत ही कंफर्ट खाने का जो मज़ा है ये किसी भी बिरयानी से कम नहीं है। ये पुलाव बहुत ही पॉपुलर पुलाव है दोस्तों। चिकन पुलाव तैयार है, बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव बना है, शाही चिकन पुलाव बहुत मस्त, बहुत बढ़िया रेसिपी आपके लिए बनाई है, फटाफट बन जाती है, एंजॉय कीजिएगा कर्ड के साथ, मज़ेदार रेसिपी, दिल खुश हो जाएगा आपका। इस तरीके से सिंपल तरीके से बना लीजिएगा, फटाफट बन जाएगी दोस्तों। आज खाना है फटाफट खाना है, मज़ेदार खाना है, तो चलो बना लेते हैं आज चिकन शाही पुलाव। चिकन शाही पुलाव बहुत ही बढ़िया रेसिपी, बिरयानी से किसी तरह भी कम नहीं। ये रेसिपी आप बना लीजिए, सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, लेकिन मज़ा इतना आएगा आपको इसको खाने में कि आप पूरा एंजॉय करेंगे। तो ये कुछ इन्ग्रीडियंट लिए हुए हैं, कुछ सामग्री ली हुई है, इसमें अदरक है और आपको चिली है, ऑनियन है, इसको मैंने पतला पतला चॉप कर लिया है। इस तरीके से आप इन सबको चॉप कर लीजिए, तो जल्दी भी खाना है तो मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, फटाफट इसको बना करके और फटाफट रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, शाही चिकन पुलाव, बड़ी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। मैंने थोड़ा इसमें घी लिया है, ये मैंने घी लिया है, इसके अंदर मैं कुछ गरम मसाले यूज़ करूँगा। ये मैंने ब्लैक पेपर लिया हुआ, काली मिर्च, उसके अलावा ये दालचीनी, सिनेमन, उसके अलावा ये लौंग थोड़ा सा क्रश करके ये इसमें ली है, फिर ये मैंने कुछ इलायची भी ली है, काली इलायची और हरी इलायची। उसके अलावा मैंने बहुत ही स्पेशल इसमें कबाब चीनी, ये 3-4 पीस कबाब चीनी के लिए है, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है, एकदम मस्त होता है। और ये तेज़पात के कुछ पत्ते, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा इसको फ्राई हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, इतना मज़ा आएगा इसको खाने में और बड़ी सिंपल है, फटाफट बन जाती है। अभी मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। अब इसमें सबसे पहले मैं ये ऑनियन जो चॉप करके रखी है, प्याज जो चॉप करी हुई, प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा। तो पुलाव जो है ना बहुत ही पॉपुलर है, पूरा वर्ल्ड वाइज खाया जाता है पुलाव फटाफट। तो चिकन पुलाव शाही तरीके से बनाने में और इसका फ्लेवर में जो मज़ा आएगा इसको बना के खाने में, जो आप एंजॉय करेंगे, सिंपल रेसिपी फटाफट बन के तैयार हो। तो थोड़ा सा हम इस ऑनियन को गोल्डन, हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, ऑनियन हमारी अच्छा गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ये चिकन है, इस चिकन को इसमें मैं ऐड कर दूँगा, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा चिकन को थोड़ा इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा और चिकन का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बर्न हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको चिकन को इसमें गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। मेन ऑयल में इसमें क्या करूँगा, ये टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा है वो थोड़ा डाल दूँगा, उसके अलावा मैंने जिंजर कुछ लिया हुआ है, जिंजर को भी डाल दूँगा,
और साथ में ग्रीन चिली इसको भी डाल दूँगा, थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगा बाद के लिए। थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट ये भी डाल देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा गोल्डन होगा तब हम इसको फिर मीन वाइज में इसमें थोड़ा मसाले यूज़ करने हैं वो कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया थोड़ा सा रेड चिली थोड़ा सा जीरा पाउडर और मैं अंत में इसमें गरम मसाला और अंत में इसमें गरम मसाला यूज़ करूँगा अपना बनाया हुआ। आप कोई भी बहुत हल्का सा गरम मसाला यूज़ कर लेते, थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेते, थोड़ा जब फ्राई हो जाए और उसकी जो वाइटनेस है वो तो थोड़ा सा पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाए चिकन का। और साथ में जो सारे अदर इन्ग्रीडियंट हैं वो पूरे इसके दिन पक जाएँ। जिंजर पेस्ट थोड़ा सा साल्ट साल्ट टेस्ट के अनुसार यूज़ करना है आपको। अब मैं इसमें थोड़ा सा बचा हुआ टमाटर और थोड़ा सा बचा हुआ जिंजर और डाल दूँगा। थोड़ा सा ग्रीन चिली थोड़ा सा इसमें मैं खसखस पाउडर पॉपी सीड उसका पाउडर बहुत ही हेल्दी। हमारा चिकन तैयार है। अब हम थोड़ा सा इसमें बॉइल्ड वाटर ऐड कर रहे हैं। अभी हमारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट शादी तैयार है, बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। बॉइल्ड वाटर मैं इसमें यूज़ कर दूँगा बॉइल्ड वाटर, तो थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमने पानी यूज़ ले लिया इसमें और इसमें राइस ऐड कर देते हैं। देखिए कितनी फास्ट बन जाती है रेसिपी, कुछ भी नहीं है लेकिन बनेगी इतनी टेस्टी। थोड़ा सा मैं इसमें कर्ड यूज़ कर लूँगा, कर्ड मैं इसमें बाद में यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको जब आप मसाला बनाते हैं ओनियन फ्राई करते समय उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अब डाल रहा हूँ। जब मेरी पूरी प्रिपरेशन तैयार हो गई है तब मैं इसको कट को डाला है। अच्छी तरीके से मैं इसको
इसमें मिला लेता हूँ ग्रेवी में। ये अच्छी तरीके से मेरा ग्रेवी में मिक्स हो गया। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल, रोज वाटर, अपना बनाया हुआ बगैर गरम मसाला है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ही मसाला यूज़ कर दूँगा। तो मिला लेते हैं, अब इसमें बस राइस ऐड कर देंगे। राइस, चावल, ये चावल लिए हैं थोड़ा, ये चावल मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके पानी में भिगो करके आधा घंटा 15 मिनट रखा है इनको। अब मैं इसको सीधा का सीधा इसमें ऐड कर दूँगा। फिर चावल को हम इसमें ऐड कर देते हैं। चावल हमेशा अच्छी तरीके से वॉश करें और फिर उसके बाद में उसको भिगोने के लिए रखें ताकि वो जल्दी बनेंगे और बहुत अच्छे सॉफ्ट और जल्दी से गल जाएंगे और जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एयर पैक कर। दोस्तों पुलाव तो बन के तैयार है, शाही चिकन पुलाव। चलिए अब इसको खोल देते हैं। वाह, एकदम मस्त चकाचक बना है, इतना मज़ा आएगा आपको खाने में। लाओ वो सर्व कर देते हैं।